बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जानवर का, जैसे हमने क्या सीरम टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करवाना है ना, तुम ब्लड कैसे निकालेंगे? अगर ब्लड तो नहीं वेन से ही लेंगे, वो वेन से निकालोगे देखो आप, जहाँ फिर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जानवर के बॉडी के अंदर पानी की इतनी ज्यादा कमी आ जाती है कि उसको ड्रिप भी लगानी पड़ती है। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो इंजेक्शन लगाने का रूट निकालने, हाँ निकालने का, आपने क्या करना है, ये तो है फूड पाइप इसकी सेंटर में, और इसके साइड पे होती है वो ब्लड की वेन होती है। जैसे एक आदमी आए, जहाँ पे दबाओ इसको, ठीक है, दबा दिया, ठीक है, तो खड़ी हो गई ना वेन। इसमें से हम अगर सीरम टेस्ट के लिए या फिर ड्रिप के लिए लगाएंगे, फिर आईवी लगाना है तो, हाँ जी, देखो ब्लड आ गया ना, जे वेन में लग गई, जे टेढ़ी लगानी है आपने, जैसे 30 डिग्री एंगल पे लगानी है सुई वेन में, हाँ जी, ऊपर से भी लगा सकते हो, जैसे ड्रिप लगानी है आप ऊपर से लगा दो, जैसा आपको सही लगे, पर वेन में लगाना है। जे वेन में लगी आपने पीछे इसको पुल किया तो वो ब्लड आ गया ना वेन से, इसी तरह सैंपल लिया जाता है। ये तरीका होता है इंट्रा वेन, जो इंजेक्शन भी देना है ऐसे देना है, हाँ इंजेक्शन भी देना है, नहीं नहीं वो तो आपको बताया है ना इंट्रा मस्कुलर, इमरजेंसी में है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये फूड पाइप है, सेंटर में फूड पाइप होती है, साइड पे होती है जो अपनी ब्लड की वेन्स होती है। कहाँ पकड़ना पड़ेगा ये? जी देखो, जे पकड़ो, सारे टच करके देखो, जे फूड पाइप होती है, जी देखो, ठीक है, फूड पाइप दोनों साइड पे होती है।